नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मेरे साथ अनिल कुमार अभिषेक के साथ, और आज हम फिर से हाजिर हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरों को लेकर के। कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्रंप पे गुहार लगाएंगे इमरान खान। पाकिस्तान ने भारत के लिए खोला एयर स्पेस, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद किया था बंद। दुनिया के 42 देशों ने किया 60 भगोड़ों का प्रत्यर्पण, ब्रिटेन ने अब तक एक भी नहीं सौंपा। गृह मंत्रालय ने बताया 2014 से अब तक घाटी में मारे गए 973 आतंकी। पीएम मोदी की बीजेपी सांसदों को नसीहत, कहा विकास में निभाए लीडिंग रोल, पहला प्रभाव आखिर तक रहता है। नितिन गडकरी ने कहा अच्छी सड़कों के लिए चुकाना ही होगा टोल, यह जिंदगी भर बंद नहीं होगा। दिल्ली मुंबई ग्रीन हाईवे से 120 किलोमीटर कम होगी दूरी, 12 घंटों में सफर होगा पूरा। पाकिस्तान से आए 82 नागरिकों को राजस्थान में मिली नागरिकता, कहा गृह मंत्रालय ने। भारत के साथ सैन्य तनाव के 5 महीने के बाद पाकिस्तान ने खोला हवाई क्षेत्र। अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत हुआ इग्नोर, सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस में उठी मांग, सोनिया गांधी फिर से संभाले अध्यक्ष पद की कमान। दिल्ली पुलिस ने श्रीनगर से पकड़ा 2 लाख का इनामी आतंकी, कोर्ट से जमानत लेकर के हुआ था फरार। 2025 तक भारत होगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, पीयूष गोयल ने कहा। बढ़ रही है भारत की ताकत, लाइटवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो म्यांमार को किया गया निर्यात। राव साहेब दानवे ने पद से दिया इस्तीफा, चंद्रकांत पाटिल बनाए गए महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष। मोदी सरकार में काबू में महंगाई, थोक महंगाई दर पिछले 23 महीनों में सबसे कम। अब सितंबर तक करना होगा चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का इंतजार। फेसबुक को देना होगा $5 अरब का जुर्माना, करोड़ों यूजर्स का डेटा किया लीक। बीमार पाकिस्तान के लिए भारत बना सहारा, एक साल में महंगाई 1 अरब 37 करोड़ रुपए की दवा। RBI ने SBI पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो ये थी देश विदेश की जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त हम कुछ अन्य खबरों को लेकर के। हमेशा की तरह देखते रहे हमारे चैनल तेज न्यूज़, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे, ताकि अगली दफ़ा जब हम हाजिर हों तो हमारी न्यूज़ आप तक लगातार ऐसे ही पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।